नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार के सियासी गलियारे से सबसे बड़ी खबर इस समय यही आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। चर्चा जोरों पर है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या सचमुच तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो सकते हैं? उनकी ये मुश्किल कितनी बड़ी है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव गहरी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को उनके दिल्ली स्थित आवास से ईडी की टीम ने मोटी रकम की बरामदगी की थी। वहीं सीबीआई ने दूसरे दफे उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा है। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले के साथ साथ IRCTC टेंडर घोटाले में सीबीआई और ईडी की जांच जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, उससे तेजस्वी यादव की मुसीबतें खासी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने 4 फरवरी को ही तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। तेजस्वी ने विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए उस दिन हाजिर होने से मना कर दिया था। हालांकि इस बीच तेजस्वी लगातार दिल्ली आते जाते रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें दूसरा समन भेजा है, जब उनको 11 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित दफ्तर में बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी आज भी सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। बताते चलें कि शुक्रवार को ईडी की टीम ने तेजस्वी प्रसाद यादव के दिल्ली आवास पर रेड की थी, और जहाँ से उस टीम ने 70 लाख रुपये कैश, 2 किलो सोना और $1900 मिले हैं। बरामद सोने में 1.5 किलो जेवर और 540 ग्राम सोने का सिक्का शामिल है। कहना नहीं होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और इसी बीच बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं तो अब उनकी कुर्सी जानी तय है और नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को जब सीबीआई ने उनको बुलाया है, ये दूसरा मौका है जब सीबीआई ने उनको बुलाया। पिछली बार जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने विधानसभा सत्र का हवाला देकर जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब उनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे, और अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे तो बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से बदल जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।